आज का हमारा अध्याय है श्याम एक किसान। यह एक कविता है जिसके रचयिता या कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। यह कविता आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग दो का 8वां अध्याय है। इस कविता में कवि ने प्राकृतिक चीज़ों का मानवीकरण किया गया है। इस कविता में कवि ने शरद ऋतु की एक शाम का वर्णन किया गया है तथा उस शाम के दृश्य को, श्याम मतलब सायंकाल के दृश्य को, बिल्कुल स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप में चित्रित किया है। इस कविता में किसान के रूप में जाड़े की एक शाम का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। शाम के समय पर्वत एक बैठे हुए किसान की तरह दिखाई देता है। आकाश उसके सिर पर बंधे हुए साफे के समान है। साफा क्या होता है? पगड़ी, ठीक है। आमतौर पर प्राय लोग सिर पर बांधते हैं, तो साफे को क्या कहा जाता है? पगड़ी। और सूर्य उसके हुक्के की चिलम की भांति है। हुक्का तो आप सबने देखा ही होगा, चिलम जो हुक्के के ऊपर रखी जाती है जिसमें आग होती है। तो सूर्य किसकी तरह लग रहा है? उसके हुक्के की तरह लग रहा है। नदी उसके घुटनों पर पड़ी चादर के समान दिखाई दे रही है। उसके आसपास खड़ा पलाश का जंगल लाल फूलों से लदा हुआ उसकी अंगीठी की भांति दहक रहा है। अंधकार यानी अंधेरे में उसकी बैठी हुई भेड़ों के समूह सा प्रतीत हो रहा है। जो पहाड़ पर अंधकार छा रहा है वो किसान की बैठी हुई भेड़ों के समान दिखाई दे रहा है, ठीक है। चारों ओर वातावरण में सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसे में अचानक कहीं से मोर बोलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। और वो मोर कैसे लग रहा है? जैसे मानो किसान को कोई बुला रहा हो, ठीक है। अब हम कविता पढ़ते हैं। श्याम एक किसान, श्याम को एक किसान के रूप में दिखाया है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो साफा मैंने पहले भी बताया क्या होती है? पगड़ी, जो इसने ये यहाँ पर फोटो में दिखाई गई है, ठीक है। साफा क्या होता है? पगड़ी, ठीक है। और चिलम ओके के ऊपर रखी जाने वाली वस्तु जिसमें आग होती है। दहकना क्या होता है? जलना। और अंगीठी क्या होती है? जिसमें आग डालकर सर्दी में रखा जाता है। ज़्यादातर जो ठंड वाले प्रदेश होते हैं, ठंडी वाली जगह होती है, वहाँ इसका प्रयोग, अंगीठी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कवि ने क्या बताया है? इसमें संध्या के समय का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि शाम के समय पर्वत एक किसान की तरह बैठा हुआ दिखाई देता है। तो पर्वत को इसने क्या माना है? एक किसान माना है। वह सिर पर आकाश को साफे की तरह बांधे हुए प्रतीत होता है। प्रतीत मतलब दिखाई देता है, चादर के समान। पर्वत से निकलने वाली नदी उसके घुटनों पर पड़ी हुई चादर के समान दिखाई दे रही है, ठीक है। इसमें पर्वत को क्या माना है? एक किसान माना है। और आकाश को किस रूप में माना है? उसके पगड़ी के रूप में माना है, ठीक है। तथा जो सूर्य है, सूर्य को उसके हुक्के की सुलगती चिलम की तरह माना है, ठीक है। और जो पर्वत से नदी निकल रही है वो कैसी लग रही है? उसके घुटने पर पड़ी हुई चादर के समान लग रही है, ठीक है। और उसके पास ही पलाश का एक जंगल है। पलाश क्या होता है? एक वृक्ष होता है जिस पर लाल रंग के फूल लगते हैं। तो पर्वत के पास में ही एक
पलास का जंगल है जिसमें लाल लाल रंग के फूल खिले हुए हैं, और वह जंगल जलती हुई अंगीठी के समान लग रहा है। ठीक है, शाम के समय वो लाल फूल कैसे लगते हैं, लग रहे हैं जैसे कि किसान ने अंगीठी जला रखी हो अपनी सर्दी को दूर करने के लिए। ठीक है, अंधकार दूर पूरों में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, तो पूरों दिशा में इस समय जो अंधेरा बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त हो रहा है तो पूरों दिशा में जो अंधेरा बढ़ रहा है ना, तो वो अंधेरा ऐसा लग रहा है जैसे किसान के भेड़ों का समूह बैठा हो। ठीक है, गले सा क्या होता है, समूह, समूह के समान, झुंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और सिमटा दुबका हुआ, सिमटा क्या होता है, दुबका हुआ। आगे देखते हैं, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो चिलम ओंधी धुआं उठा, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। ठीक है, तो आवाज़ देना क्या होता है, बोलना, और ओंधी, ओंधी का मतलब क्या होता है, उल्टी हो गई। ठीक है, उलट जाना, सूरज सूर्य और डूबा छुप गया। तो इसमें कवि ने क्या किया है, संध्या के वातावरण का वर्णन किया है। ठीक है, संध्या से रात होने का वर्णन किया है, शाम से। कवि कहता है कि शाम का वातावरण अत्यंत शांत बन गया था, जो भी ऊपर बातें बताई गई हैं, यहाँ वातावरण क्या था, बिल्कुल शांत था। तभी अचानक मोर के बोलने की आवाज़ सुनाई पड़ी। ठीक है, कहीं से अचानक मोर की आवाज़ सुनाई दी, तो मोर की आवाज़ को सुनकर कैसा लग रहा था, जैसे कि किसी ने अंदर से किसान को आवाज़ दी हो कि सुनते हो। ठीक है, क्या आवाज़ दी, कि सुनते हो रात हो गई है। चिलम उलट देने पर, अचानक से शांत बैठा था किसान, और जब अचानक से आवाज़ आती है तो किसान एकदम से ठिठका, और उसके हाथ से वो चिलम नीचे गिर गई, और गिरते ही वो चिलम क्या हो गई, उल्टी हो गई। तो चिलम के उलट देने से आग बुझ गई। ठीक है, और उसमें से धुआं निकलने लगा। आग बुझ जाने से मतलब यहाँ क्या है कि सूर्य पूरी तरह से अस्त हो गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार सूर्य छुप जाने से जैसे अंधेरा हो जाता है, उसी प्रकार चिलम उलट देने से वो आग बुझ गई तथा चारों तरफ धुआं फैल गया और अंधेरा छा गया। ठीक है, आगे इस पाठ में कुछ भाषा अध्ययन दिया गया है, वो भी हम देख लेते हैं। क्या है, नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। रेखांकित जिनके नीचे रेखा लगाई गई है, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। ठीक है, तो चादर सी, नदी को किसके समान माना है, यहाँ पर चादर के समान माना है। ठीक है, इसकी इससे क्या की गई है, उपमा की गई है। उपमा क्या होता है, तुलना करना। ठीक है, तो जिन शब्दों की तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो इस पूरी कविता में किसका प्रयोग था, उपमा अलंकार का प्रयोग था, और मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं ना, उनका सजीव रूप में वर्णन किया जाता है, जैसे पहाड़ का किसान के रूप में वर्णन किया गया था। ठीक है, तो पहाड़ को सजीव रूप में क्रियाएं करते हुए दिखाया गया था, तो यहाँ पर क्या है, ये मानवीकरण अलंकार। और नदी को चादर के समान माना है, तो यहाँ कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। जिन शब्दों के साथ सा सी का प्रयोग किया जाता है, या फिर से, सा से और सी का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, ऐसे ही अगला है, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो गले सा, गले क्या है, झुंड को बोलते हैं गले। ठीक है, भेड़ों का झुंड, तो भेड़ों के गले सा, तो अंधकार को क्या मानना था, भेड़ों का झुंड। ठीक है, आगे है, पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा। पानी को किसके समान, पर्दे के समान। ठीक है, मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता। ठीक है, मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास, तो मरियल सा इसमें क्या है, विशेषण है,
और किसकी विशेषता बताई गई है यहाँ पर, कुत्ते की विशेषता बताई गई है, ठीक है। कुत्ता यहाँ पर संज्ञा है और कैसा है, मरियल सा, तो ये उसकी क्या है, विशेषता है, ठीक है। अगला है दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, ठीक है। तो छोटा सा यहाँ पर क्या है, ये विशेषण है, ठीक है। दिल की विशेषता बताई गई कैसा है, छोटा सा, तो विशेषण छोटा सा। घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया, ठीक है। तो कैसी चिड़िया है वो, नन्ही सी, तो नन्ही सी यहाँ पर क्या है, विशेषण, और चिड़िया क्या है, संज्ञा। और विशेषण कहते किसे हैं, किसे कहते हैं विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहा जाता है, ठीक है। जैसे सीता सुंदर लड़की है, सीता सुंदर लड़की है, ठीक है। तो यहाँ पर सीता क्या है, संज्ञा है, सीता क्या है, संज्ञा। और कैसी है सीता, सुंदर है, तो सुंदर उसकी विशेषता बता दी ना, तो जो शब्द विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। तो यहाँ सुंदर क्या है, विशेषण है, ठीक है। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें चादर क्या थी, यहाँ पर संज्ञा है, चादर क्या है, संज्ञा, ठीक है। पर्दा क्या है, पर्दा भी संज्ञा है। मरियल क्या था इसमें, विशेषण है। कुत्ता क्या था, संज्ञा है। छोटा भी क्या है, विशेषण है, ठीक है। चिड़िया क्या है इसमें, संज्ञा है। और नन ही क्या है, विशेषण है। और फुदकना क्या है, क्रिया है, ठीक है। चिड़िया फुदक रही है, तो क्या कर रही है, चिड़िया फुदक रही है। जिसमें भी किसी काम का या किसी क्रिया का होना पाया जाए वहाँ क्या, वो क्या होती है, क्रिया होती है जी, ठीक है। जैसे राम खाना खा रहा है, तो इसमें खाना खाना क्या है, क्रिया है। पानी पी रहा है, तो पीने का काम कर रहा है ना, तो पीना इसमें क्या है, क्रिया, ठीक है। ये था आज का हमारा पाठ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।